गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनपुर के गरीब ब्लॉगर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग को बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, मूली की खेती में अपने आए हैं और मूली की खेती के बारे में हम कुछ आप लोग को जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको एक बार लाइक कीजिए, जिससे कि अन्य किसान भाइयों के लिए फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग हम बता देते हैं मूली की खेती के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे यूपी में 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है, उससे किसी भाई की मूली की खेती अगर किए हैं उनके खेतों में अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो उस मूली का सत्यानाश हो जाता है। इसके लिए हम आप लोग को बता दें, मूली की खेती के लिए ढुलान सा खेत बनाना चाहिए, जिससे पानी पड़ते ही पूरा दूसरे खेत में पहुँच जाए, मूली के कोई इफेक्ट न पड़े। जैसे कि हमारी खेती देख सकते हैं, मूली का खेती मेरा यही है दोस्तों। आप लोग को बता दें जहाँ पानी इकट्ठा हुआ था यहाँ का पानी मात्रा ज़्यादा हो गया था लग रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मूली के पत्ती जो हमारी है पूरा झुलस गई है, और मूली का इसका पूरा अभी तो पेड़ में दम है दिख रहा है, लेकिन मूली के ऊपर की भाग का पूरा पत्तियाँ झुलस गई पानी की वजह से, जहाँ इकट्ठा और सब मूली देख सकते हैं, ये सब मूली देख सकते हैं दोस्तों, दम इसकी पत्तियाँ एकदम हरी भरी दिख रही हैं। ये सब मतलब जहाँ पानी का ज़्यादा लग गया है वहाँ पर पूरा इसका इफेक्ट पड़ रहा है पानी का। और ये चीज़ देख सकिए दोस्तों, हमारी मूली की पत्तियों पर बहुत किरणे लगे हैं, छनन मनन पूरे कर दिए हैं, पत्ती का एकदम सत्यानाश करने लपट गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक दवा लेकर आया हूँ। आज ही अगर मौसम साफ दिखा और धूप निकल रहा है, लेकिन अगर मौसम बढ़िया रहा, पानी का कोई असर नहीं दिखा, तो हम इस पर एक दवा लेकर आए हैं, परफेक्ट सुपर 100 ml का है। इस पर हम अपनी इस मूली और नई मूली पर बोए हैं, जो कि अभी तो तैयार हो रहा है, ज़्यादा दिन में 15 दिन को हो गया है मूली, और आप लोग को बता दें तो तैयार है, इसको उखाड़ने योग्य हो गया है। कल या परसों मूली उखड़ने लगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग बता दें कि 3 दिन से बारिश हो रहा है, अगर बारिश नहीं हुआ तो आज हम दवा इस पर छिड़काव करेंगे। और आप लोग को बता दें कि 3 दिन से बारिश हो रहा है, जहां पानी इकट्ठा हुए हैं वहां के मूली के पौधे का सत्यानाश हो गया, मतलब ख़त्म हो गया वो जड़ से ही, क्योंकि पत्तियां उसके आप लोग को दिखाए हैं कि झुलस गया है। और आप लोग को बता दें कि परफेक्ट सुपर जो है कि यह 100 ml का है, आप लोग को बता दें इस खेती में और नई वाली मूली में हम पूरा इस दवा का 3 टंकी बनाकर दवा का छिड़काव करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने मशीन से और एक टंकी भर लिए हैं पूरा दवा। अब मैं खेत में चल रहा हूँ और दवा खेत में छिड़काव करूँगा फिर मूली के खेत में। दोस्तों आपको बता दें कि एक टंकी में 35 ml परफेक्ट सुपर मिलाते हैं और 10 ml साफ रहता है। साफ जो होता है कि उसका नाम साफ है दवा का, वो पत्ती को हरी करता है, समझिए कि पत्ती में हरियाली जो रहता है उसको ला देता है, बहुत ही फायदेमंद रहता है सॉफ्ट। मूली की खेती में दवा छिड़काव कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं पूरा विधि विधान से मैं अपने टंकी में पानी वानी भर लिया, देख सकते हैं हमारे पीठ पर लदा है टंकी। और आपको बता दें अपनी मूली की खेती में छिड़काव कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग को बता दें कि जैसे कि हम आप लोग जान रहे होंगे हम दवा छिड़कने आए हैं खेत में, एक टंकी दवा छिड़ चुके हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों। अब हम इस खेत में जा रहे हैं दवा छिड़काव करने, उस खेत में तो पूरी खेत की छिड़काव हो गई दवा से, और अब इस खेत में हम इस मूली नई मूली की बात कर रहे हैं, तो इस नई मूली में हम छिड़काव करेंगे दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। हम दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम तीसरा टंकी अपना ले जा रहे हैं खेत में, अब नई वाली मूली में एक टंकी मारे हैं, कि तीसरे टंकी में जो परफेक्ट सुपर है उसका 30 ml लिए हैं, क्योंकि 35 दो टंकी में हो गए तो 30 ml बचा था। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें 35 ml लिया गया है, सॉफ जो बढ़ा दिया गया है दोस्तों उसको हम 25 g कर दिए हैं। अब तो दोस्तों आप लोग को बता दें हम अपनी मूली के खेतों में 3 टंकी दवा मार चुके हैं, और भगवान अब पानी आज के दिन 6 घंटे ना बरसें, क्योंकि नहीं तो हमारे जितना मेहनत किए हैं सब मेहनत पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दें आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। दोस्तों जय हिंद जय भारत।